गाइस Redmi Note 11 Pro एंड Pro Plus इज कमिंग ऑन दिसंबर एंड नाउ Redmi Note 11 Pro Plus का जो स्पेसिफिकेशन है वो BIS के ऊपर रिवील हो चुका है. एंड गाइस टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट Redmi Note 11 Pro Plus एंड अदर सम स्पेसिफिकेशंस ऑफ Redmi Note 11 सीरीज आल्सो. सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में. एंड आई टेल यू व्हाट, अभी सब कॉपी कर आईफोन का, बट वैसे डिजाइन सभी को पसंद है. यहाँ पे आगे पीछे सब जगह फ्लैट डिजाइन देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे कंफर्म है, यहाँ पे जो स्मार्टफोन का जो डिजाइन है ज्यादा फंकी लेके नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैट फिनिश देखने को मिलेगा, अंडर शेड डिजाइन है, काफी बेहतर रहने वाला है. एंड अगर बात कर डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे कंफर्म है 11 प्रो एंड 11 प्रो प्लस में 6.67 इंचेस का बिग डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा. एंड 11 जो है वो 6.6 इंचेस के साथ आने वाला है, 0.67 इंचेस का जस्ट फर्क है, बट बाकी सब कुछ डिस्प्ले में काफी बेहतर है. एंड उसके अलावा ये जो प्रो एंड प्रो प्लस है वो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 11 जो है वो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. एंड प्रो एंड प्रो प्लस में यहाँ पे मैं 120Hz रिफ्रेश रेट एंड AMOLED स्क्रीन का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड 11 जो है उसमें मैं 90Hz रिफ्रेश रेट एंड IPS डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा. एंड और एक बात मैं कह देता हूँ, यहाँ पे 11 प्रो एंड 11 प्रो प्लस में ग्लास का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड 11 जो है वो प्लास्टिक लेके आने वाला है, पॉलीकार्बोनेट. एंड उसी के अलावा यहाँ पे स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे प्रो एंड प्रो प्लस का मेन बेस वेरिएंट होगा 6 128 GB एंड जो 11 है उसका मेन बेस वेरिएंट होगा 4 128 GB. एंड अगर डायरेक्ट उसे कन्वर्ट करते हैं इंडियन प्राइस में गाइस, तो यहाँ पे जो प्रो प्लस है उस स्मार्टफोन का प्राइस अक्रॉस 20,000 देखने को मिलेगा. हो सकता है स्मार्टफोन का प्राइस 23,000 to 24,000 के अक्रॉस देखने को मिलेगा. एंड नेक्स्ट बात करें स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में, सो यहाँ पे Redmi Note Pro Plus जो है बहुत कुछ कहते थे स्मार्टफोन में 2 MediaTek Dimensity का सपोर्ट देखने को मिलेगा, सो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फॉरगेट इट. यहाँ पे प्रो एंड प्रो प्लस में दोनों में MediaTek 920 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है एंड 11 जो है उसमें हमें 810 का सपोर्ट देखने को मिलेगा MediaTek. और यहाँ पे एक कॉमन वेरिएंट है 6nm तीनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, 6nm आप कह सकते हो तीनों स्मार्टफोन को पावर करने वाला है. एंड अगर बात करें पावर के बारे में, सो बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बैटरी वेरिएंट के बारे में. सो Redmi Note 11 Pro Plus में 4500mAh की मैसिव बैटरी का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड Redmi Note 11 Pro जो है उसमें 5140mAh मैसिव बैटरी का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है. एंड जो सबसे छोटा वाला है Redmi Note 11 उसमें हमें 4500mAh की मैसिव बैटरी का सपोर्ट देखने को मिलेगा. एंड व्हाट अबाउट दिस स्मार्टफोन चार्जर, सो आप कह सकते हो गाइस इसमें भी हाई अप. सो Redmi Note 11 Pro Plus में 120W चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसका कहना है ये जो चार्जर है वो 4500mAh की बैटरी को 15 मिनट में कंप्लीट चार्ज करके देगा. एंड जो Redmi Note 11 Pro है उसमें हमें 67W का चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसका कहना है ये जो स्मार्टफोन है वो 40 मिनट में कंप्लीट चार्ज करके देता है. एंड जो सबसे छोटा वाला है वो थोड़ा सा लो देखने को मिलेगा गाइस, 37W का उसमें चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल रहा है. अगर कैमरा वेरिएंट की बात करें तो इट में भी हायर, Redmi Note 11 Pro एंड Pro Plus में 1.8MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा एंड उसके अलावा यहाँ पे 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 2MP का माइक्रो सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा. एंड Redmi Note 11 की बात करें तो यहाँ 50MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल रहा है, त्रिपल कैमरा है, 50MP 8MP एंड 2MP. एंड Redmi Note 11 का यहाँ पे सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पे 16MP देखने को मिलेगा, ये कन्फर्म्ड है. बट यहाँ पे प्रो एंड प्रो प्लस में दोनों में यहाँ पे कहा जा रहा है जब ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा तो इस स्मार्टफोन में 16MP का सेल्फी कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा. एंड अगर बात करते हैं उसके अलावा स्मार्टफोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो लॉन्च डेट कंफर्म है, ये स्मार्टफोन इसी ईयर दिसंबर के मंथ में हो सके मैं देखने को मिल जाएगा. सो आई होप गाइस यू विल लाइक दिस वीडियो एंड गेट सम हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन. सो इफ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस.